पेंच प्रकल्प के अंतर्गत देवलापार गांव के पास पौनी वन क्षेत्र पालोरा बेट क्रमांक 582 NH 44 पर सड़क पार करते समय एक अज्ञात कार ने धड़क देने से तेंदुए की मौत हो गई है। शुक्रवार की सुबह इस घटना का खुलासा हुआ। सड़क पार करने के दौरान वाहन की टक्कर से यह हादसा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। यह हादसा करीब देर रात 3 बजे के बीच होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सुबह करीब 9 बजे हादसे की जानकारी मिलते ही वन अधिकारी और पशु वैद्यकीय अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारियों ने घटना स्थल पर दखल दी। मानक कार्य प्रणाली के अनुसार तेंदुए का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चेतन, डॉक्टर मानकर, डॉक्टर बिलाल ने पोस्टमार्टम कर तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। घटना स्थल पर पेंच व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर रवि किरण गोविकर, उप संचालक अमलेंदु पाठक, सहायक वन संरक्षक अतुल देवकर, सतपुड़ा फाउंडेशन के सदस्य दिलीप लांजीवार, BNHS के सदस्य दुधे, वन परिक्षेत्र अधिकारी ताटे, मोडवान, सूर्यवंशी, संकपाल, बाफले, भोंगाड़े, चंदू कुंपली उपस्थित थे। जंगलों से सटे सड़कों के चौड़ाईकरण और राष्ट्रीय महामार्ग के कारण वन्य जीव सड़क क्रॉस करते समय वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गों पर रात के समय वाहनों की स्पीड लिमिट तय की गई और जगह जगह वन्य जीवों के बोर्ड भी लगे होने के बावजूद चालक बेबाक तेज गति से वाहन चला रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य महामार्ग प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को नए मार्गों पर अंडरपास और अन्य पर्यायी उपाय योजना करने की आवश्यकता है। स्पीड लिमिट का पालन नहीं होने के कारण वाहनों की टक्कर से वन्य जीवों की मौत होने की घटना काफी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज।